स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन के बारे में। तो आइए जानते हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने विंड एनर्जी के बारे में सब चीज़ बताया है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा समरी दे देना चाहता हूँ कि आप ये समझिए, विंड में एनर्जी है, उस एनर्जी को विंड एनर्जी से बदल के आप मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, और उस मैकेनिकल एनर्जी से आपको जो करना है कीजिए। आपको पानी पंप करना है उससे पानी पंप कीजिए, आपको उससे अनाज पीसना है आप उससे अनाज पीसिए, आपको उससे बिजली बनाना है बिजली बनाइए। अगर बहुत सारे ऐसे टर्बाइंस को एक जगह पर लगा दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विंड फार्म। तो ऐसा कहीं सारा अगर आप देख रहे हैं जहाँ एक दो नहीं है, कई सारे हैं, मतलब 50-60 है, तो उसको हम लोग कहते हैं विंड फार्म। तो ये था रफ आइडिया। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि सबसे बड़ा तकलीफ इसके साथ ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ख़राब है। जैसे कि मेरा वीडियो आप सोलर पे यहाँ देख सकते हैं कि सोलर का दाम जो है, सोलर से बिजली बनाना पर किलोवाट लगभग कोयले पे आ चुका है। लगभग मतलब अब कोयले का दाम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आने वाले 3 से 5 साल के दरमियान उसका दाम लगभग बराबर हो जाएगा कोयला जितना, और कुछ उसके कुछ साल बाद कोयला का दाम बढ़ जाएगा। तो लोग सोलर से ही बिजली बनाने लगेंगे, और इसका आप असर देख सकते हैं कि देखते देखते इंडिया में कोई सोलर बड़ा प्लांट नहीं था, देखते देखते 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट का पावर प्लांट राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो ये सब देखते देखते इसलिए नहीं होंगे कि लोग इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, लोग इसलिए कर रहे हैं भैया सस्ता है। मतलब आप अगर बिजली बनाना चाहते हैं तो अगर कोयला में महंगा पड़ रहा है तो कोयला में क्यों खर्च किए जाएंगे, सब सोलर में बनाइए। तो सोलर का दाम के मामले में लगभग मैच कर गया। तो विंड का क्या हालत है कि विंड बहुत दूर है दाम में। मतलब अगर आप एक यूनिट बिजली 1 पैसे में बनता है कोल पावर प्लांट में, तो सोलर में 1 पैसा मतलब कहिए थोड़ा सा और 1.2 पैसा लग जाता है, समझ लीजिए थोड़ा सा महंगा है। विंड में 5 पैसा लगता है पर किलोवाट। तो इसी कारण से विंड आप हर जगह नहीं देख पाते हैं, और ये पैसा इतना महंगा बहुत कारण से है। सबसे उसमें एक बड़ा कारण ये है कि ज़मीन में अगर आप लगाना चाहते हो तो ज़मीन महंगी चीज़ है, कोई फ्री का नहीं मिलता है। तो वो ज़मीन में पैकिंग एफिशिएंसी कम होने का बहुत भारी कीमत भरना पड़ता है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है, जैसे आप ये सब टर्बाइन देख सकते हैं बीच में बहुत गैप है, मतलब नाव जहाज बड़ा बड़ा क्रूज शिप निकल जाए बीच से फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतना जगह दिया जाता है। और इसका एक मैथमेटिकल है, कहीं कहीं पर मैं सुनता हूँ कि रोटर का जो डायमीटर है उससे 5 गुना जगह आपको छोड़ना पड़ेगा अगल बगल, ताकि एक रोटर, ऐसा नहीं कि आप अगल बगल नहीं लगा सकते कि हाँ बस ब्लेड नहीं बिगड़ रहा है लगा दिए, लेकिन इफिशेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एक ब्लेड जो टर्बुलेंस बनाएगा वो टर्बुलेंस दूसरे टर्बाइन की इफिशेंसी कम कर देगी। तो अगर आप ऐसे सटा सटा के लगा तो लिए, जमीन आपका दाम बच जाएगा लेकिन टर्बाइन बिजली ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि मतलब टर्बुलेंस के चलते विंड एनर्जी यूज़ नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से दूर दूर रखना पड़ता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी घट जाती है। और विंड फार्म का पावर डेंसिटी अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने हेक्टेयर में कितना बिजली मिलता है, वो बहुत ख़राब है। तो एक रफ आइडिया देने के लिए, ये सिर्फ 3 से 4 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर देता है, मतलब पर मीटर में आपको 100 वाट तक मिल सकता है, और ये बहुत हुआ तो 3 से 4 देगा। ये इसलिए सिर्फ चलता है क्योंकि जो जो एक एक बड़े बड़े जो टर्बाइन आते हैं कुछ कुछ तो 10-12 मेगावाट तक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन का दाम देखिएगा तब आप बोलिएगा यार सोलर ही सस्ता रहता है। लेकिन आप सोलर हर जगह नहीं लगाए, जैसे जैसे मान लिया बादल वाले जगह पर हैं या जहाँ हवा ज़्यादा चलता है, बारिश कम होता है, बारिश बहुत होता रहता है, तो वैसे जगह पर सोलर का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि सबसे जगह, एक तो ज़मीन जो आप खर्च कर रहे हैं खास करके ज़मीन पे, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। दूसरा, अगर समुद्र में भी रख रहे हैं तो आप समुद्र में ऐसा नहीं है कि पूरा कवर कर सकते, समुद्र में बहुत सारे नाव चलते हैं जो कि ट्रेड शिप जैसे कहा जाता है, आप जैसे ये समझिए कार्गो शिप है, वो सब आप रोक नहीं सकते और रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब कई हज़ार टन का सामान इधर से उधर आ जा रहा है और दोनों तरफ से आ जा रहा है। आप उसको, आप पूरे समुद्र को नहीं भैया हम ये पूरा जगह बर्बाद कर देंगे विंड टरबाइन लगा के, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम है। तो वर्टिकल एक्सिस इसको कैसे सॉल्व करता है, तो पहले ये समझिए वर्टिकल एक्सिस के बारे में। सबसे खासियत, सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये है कि ये विंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। जैसे कि वो जो प्रोपेलर वाला स्टाइल है जो ऐसे है पंखी घूम रहा है, वो उसको हवा के डायरेक्शन में हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ में फिक्स रहता है, कुछ कुछ में जनरली इसको घुमाने का ऑप्शन दिया जाता है। और जब मैं घुमाने का बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े होते हैं वो ऐसा नहीं कि पूरा का 360 घूम सकता है, वो थोड़ा डिग्री मतलब एडजस्ट करके मेंटेन किया जाता है। इसीलिए विंड के लोकेशन को बहुत खास तरीके से चुना जाता है। तो विंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होने का इसका ये मतलब है कि हवा कहीं से भी आए और कहीं भी जाए, इसको कोई लेना देना। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, हवा इधर से आया इधर चला गया, टरबाइन को कोई लेना देना नहीं। हवा इधर से आया पीछे चला गया, कोई लेना देना नहीं। जब तक हवा चल रहा है, हवा का डायरेक्शन उल्टा भी हो जाए तो भी ये टरबाइन बिजली बनाता रहेगा, आपको कुछ नहीं सोचना। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। इसका मतलब कि जहाँ पर मान लीजिए हवा बहुत है
लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है, तो उस जगह पे नॉर्मल टर्बाइन लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टर्बाइन बेचारा बार बार ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, ख़राब हो जाएगा, ख़राब हुआ लकी रहे टूट भी सकता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा, इसमें चूँकि ये जिस तरीके से काम करता है, ये टर्बुलेंस कम बनाता है, तो इसका टर्बुलेंस कम बनाने का मतलब ये है कि आप एक जैसे हेक्टर ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा टर्बाइन लगा सकते हैं, जैसे एक फ़ोटो दिख रहा है, इतना नज़दीक आप नहीं लगा सकते इसी पावर रेटिंग का, मतलब जैसे ये 10-10 किलोवाट का एक टर्बाइन है, आप 10 ही किलोवाट का जो नॉर्मल प्रोपेलर खरीद लीजिए मार्केट से, उसको आपको बोला जाएगा कि अगर 10 किलोवाट का एक टर्बाइन है तो दूसरा टर्बाइन कम से कम इससे 25 मीटर दूर लगाओ पर टर्बाइन, इतना टाइट आप उसको नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि ये टर्बाइन से आप बहुत ज़्यादा टर्बाइन एक छोटे जगह पे लगा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सस्ता, आसान और बहुत इजी टू मेंटेन है, तो इसका ये तिगड़म इसलिए आता है कि जैसे मान लीजिए आप टावर लगाए हैं और इसमें ये है जनरेटर, इसका नीचे रखा जाता है, तो फ़ायदा ये है कि आपको जैसे आप तो देखते हैं विंड फार्म बहुत ऊंचे ऊंचे आते हैं, कुछ कुछ 100 मीटर या 200 मीटर तक जाने वाले टर्बाइन पे काम चल रहा है, जो कि हमारे लौह पुरुष के मुतरी से भी बड़ा है, तो समझ लीजिए उतना ऊंचा ऊंचा टर्बाइन बना रहे हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मतलब कुछ कुछ में तो मतलब जो सीढ़ी है जिसमें वर्कर्स चढ़ के जा रहे हैं उसको टाइम लग रहा है, हाँ चढ़ रहे हैं पहुँच जाएंगे, एक घंटे बाद पहुँच जाएंगे ऊपर, तो समझिए उतना फजीहत करना पड़ता है। और जो फजीहत वाला चीज़ है, जैसे कि गियर बॉक्स है जो RPM को चेंज करता है, फिर जो जनरेटर है, फिर जनरेटर के बाद पावर कंडीशनर जो है, वो सब नीचे हो जाने के चलते आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा यही बंद भी करना है या हटाना, ये भी आसान ही होता है, तो ये सब इसका खासियत है। तो अगर इतना सब चीज़ अच्छा है तो लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक नॉर्मल टर्बाइन के कंपेयर में 50% इफिशियंट होता है। वो इसलिए होता है कि टर्बाइन, जैसे आप नॉर्मल टर्बाइन ऐसा ले रहे हैं जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो हवा का पूरा फेस कर रहा है, पूरा हवा जो आ रहा है उसका इस्तेमाल कर ले रहा है, ठीक है। अगर आप टर्बाइन जो ऐसे ऐसे घूम रहा है उसका इस्तेमाल किया, हवा आ रहा है, ठीक है, ये हवा से ऊर्जा निकाले, लेकिन ये उल्टा उससे भी लड़ने लगा, इस कारण से ये सब टर्बाइन सिर्फ 50% इफिशियंसी रहता है कंपेयर टू आपका नॉर्मल टर्बाइन से। लेकिन हाँ, ये बात जान लीजिए कि कोई भी टर्बाइन 50% से ज़्यादा विंड एनर्जी को नहीं बदल सकता, ये फिजिक्स का लिमिट है, मतलब इस पर आपको सोचना ही नहीं है, 50-56 ये फिजिक्स है, 100% मैथमेटिकली इफिशियंट सिस्टम हो जिसमें विंड आ रहा है एकदम परफेक्ट स्पीड का, एक स्पीड का, उसमें टर्बुलेंस नहीं, ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है, तो 50% आप समझ लीजिए ये टारगेट गोल रखा जाता है 50% मैकेनिकल इफिशियंसी का, और उस 50% पे ये उसमें भी 50% काट देता है, मतलब ग्रैंड टोटल आपका 25% का ये इफिशियंसी मिलता है, ठीक है। तो और वो तो ठीक है, वो झमेला उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा झंझट है इसके जो ब्लेड आते हैं, जो कि खासकर बड़े बड़े टर्बाइन के ब्लेड आते हैं, वो मास प्रोडक्शन में पहुंच गया है, मतलब अब किसी कंपनी को जाइए बोलिए हमको 100 टर्बाइन चाहिए, वो एक ही ब्लेड को बना लेगा। इसके ब्लेड बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि इस तरह का तिगड़म वाला जो आप ब्लेड देख रहे हैं, वो तिगड़म इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर सीधा रखे, जैसा ये रखे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, बस ये टूटने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको अंदर से मतलब स्टील केबल डाल डाल के रखा रहता है, टाइट करके रखे रहते हैं ताकि ये टूटे नहीं। तो इसके ब्लेड जो होते हैं वो थोड़े तिगड़म वाले हैं, तो ये समझिए कि ब्लेड का इसका डिज़ाइन अभी पूरा आसानी से आप नहीं बोल सकते कि मास प्रोड्यूस किया जा सकता, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, लेकिन तिगड़म है। तो भविष्य में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये टर्बाइन अभी जो है, अगर आप अभी किसी कंपनी के पास जाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि मुझे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन दो, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट तक दे देगा, मेगावाट में नहीं देगा, क्योंकि अभी तक उतना बड़ा नहीं बनाएगा, कहीं कहीं जगह पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लेकिन अभी बड़ा बनाया नहीं गया है। तो आप बोलोगे अगर ये इफिशियंसी कम देता है तो क्यों बनाना चाहेंगे इसको? इसको ऑफ शोर सी, मतलब सी विंड फार्म है, मतलब जैसे समुंदर में आप डाल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहला जो आप बोल रहे होगे, ठीक है ऊर्जा कम दे रहा है, लेकिन आप जमीन जो लिए हैं, मतलब समुंदर में भी आपको जो जगह ब्लॉक किए हैं, वो जगह पे आप ज़्यादा टर्बाइन लगा सकते हैं, और टोटल हिसाब लगाने के बाद आया है कि लगभग 10 गुना ज़्यादा बिजली पर एरिया आप दे सकते हैं। मान लीजिए पर मीटर आपको इसमें नॉर्मल वाले में 2 मिल रहा है, तो आपके इस तरह के हॉरिजॉन्टल वाले में पर मीटर, पर टर्बाइन नहीं, पर मीटर आपको ज़्यादा मिलने लगेगा, लगभग 20 वाट। तो समझ लीजिए कि इस कारण से इस पे लोग इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है आप पूरा का पूरा समुंदर नहीं ढकना पड़ेगा, आपको छोटे से जगह में काम हो जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, ये टर्बाइन जो है, नॉर्मल टर्बाइन जो ऐसे ऐसे घूमता है, वो समझिए हवा पे एक सेल की तरह ऐसे टिका हुआ है, एकदम हवा आ रहा है ये सेल पर टिका हुआ, तो इसको जो पाया धंसाया जाता है समुंदर के तल पे, या उसको बांध के रखा जाता है कहीं कहीं पे, बहुत खर्च लगता है और बहुत ठोस चीज़ बनानी पड़ती है ताकि ये टिक पाए।
तो ये बहुत महंगा है। विंड एनर्जी ऐसे ही महंगा है, उसके ऊपर से इतना महंगा इसका स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। तो क्या किया जाता है कि अगर हॉरिजॉन्टल बनाया जाए उसमें सेंटर मतलब वर्टिकल बनाया जाए तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है क्योंकि जनरेटर नीचे है, क्योंकि गियर बॉक्स नीचे है। तो ये सब नीचे हो जाने से ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना नीचे आ जाता है कि आराम से उसको हैंडल किया जाता है। मतलब इसका बेस बनाने के लिए आपको करीब 100 करोड़ लगेगा, तो इसका बेस बनाने के लिए आपको बेयरली 15 करोड़ लगेगा। तो समझ रहे हैं, दाम का एक भारी बचत हो जाता है। टर्बाइन भले कम एफिशिएंट लेकिन आप ज़्यादा रख पा रहे हैं, सस्ते में रख पा रहे हैं, तो सब मिला के और प्लस मेंटेनेंस ये सब पे आपको करना पड़ेगा। तो वो मेंटेनेंस के लिए झंझट नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ नीचे ही है। मतलब बोर्ड से आप जाके सीधे उतर सके मेंटेन कर सके, ऐसा नहीं बोर्ड से उतरे उस पर उतरे उसके बाद जाओ ऊपर जाओ। और ये सब ऊंचा होता है, 50-60 मीटर तक ऊंचा होता है। तो समझ लीजिए ऐसा चीज़ नहीं है कि आप बस कुछ गड़बड़ हो गया जा रहे हैं फ्यूज़ बदलने, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत झंझट होता है। तो इस समय तो ऐसा किया जा सकता है। और इसको अगर आप नज़दीक नज़दीक रखते हैं आप बीच में आराम से प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं कि एक फार्म में आप वर्कर को एक जगह पे उतारे वो फार्म में कहीं पे भी जा सकता है। मतलब समझिए प्लेटफॉर्म के बेसिस पे उसको इधर उधर मतलब बार बार बोट में नहीं उतरना पड़ेगा। तो इसका ऑफशोर विंड में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इवन इसके बाद भी जबकि ये सिर्फ 25% पावर देता है। तो ऑफशोर विंड फार्म के बारे में तो बात ही नहीं करना, ये काफ़ी इसी कारण से इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च बढ़ गया है। फिर आप ये समझिए कि अगर आप कोई छोटा गांव के बारे में बात कर रहे हैं कि यार मेरा गांव है छोटा सा गांव है उसमें हमने 10 मेगावाट का सोलर फार्म लगा दिया, बहुत बढ़िया है, दिन का पूरा लोड ले ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है, रात को क्या कीजिएगा। तो जनरली अभी जैसा किया जाता है कि दिन में वो सोलर से पूरा गांव चलता रहता है, रात में बिजली खरीद के ग्रिड से बिजली खरीद के दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप चाहोगे कि फुल ग्रीन हो जाए ताकि मतलब एक तो गांव को भी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा कि बाहर का ग्रिड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई समस्या वो खुद ही सलटा लेंगे, और अगर बढ़ते गया गाँव बढ़ते जा रहा है वो अपना सोलर पैनल बढ़ाते जाएंगे, अपना विंड फार्म बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप छोटे लेवल पर विंड फार्म डालना चाहते हैं वो सबको मना कर देगा कि मत करो कि बहुत ज़्यादा खर्च आता है। ये सॉल्व कर सकता है, ये मतलब छोटे स्तर पर आज आप बना सकते हैं। आज आपको जैसे हो गया कि एक गांव को मेरे को जाना है भाई, मेरे को सिर्फ 10 मेगावाट चाहिए, आराम से इस तरह के टर्बाइन लेंगे। प्लस टर्बाइन छोटा जगह खाएगा, जमीन भी बहुत नहीं खाएगा, दूसरा टर्बाइन मेंटेन करना भी आसान है कि कोई गड़बड़ उड़बड़ हुआ ठीक किया जाता है, जनरेटर सब भी नीचे है। तो सब फायदा मिलाने के बाद ये काफ़ी अच्छा एक औजार बन जाता है जो कि छोटे स्केल पे इससे लड़ना ही नहीं है। मतलब छोटे स्केल में आपको रखना है कि छोटा सा गांव है छोटा सा चला देना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि वो गांव में बिजली लाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा दूर से हमको पावर ट्रांसमिशन जोड़ना पड़ रहा है, मत पैसा उस पर बर्बाद के। पावर ट्रांसमिशन कोई सस्ता चीज़ नहीं है, कई हज़ार करोड़ उसमें लग जाते हैं। तो उतना उसका आधा पैसा में आप सोलर फार्म बना लीजिए, उसका आधा पैसा में आप विंड फार्म बना लीजिए, दोनों को जोड़ के आपका मतलब लगभग 90% लोड निकल आएगा। 150% आता है, बस बात ये होता है कि रात को क्या खींचेगा। तो बिजली स्टोर करने के लिए बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज़्यादा आपको वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे भविष्य में विंड फार्म में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विंड फार्म के बारे में, खास करके हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप फ्री हैं तो घंटी भी बजा सकते हैं और इससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।